हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसाना विद आदित्य चैनल। हेयर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि शब्द अर्थ कितना ज़रूरी होता है, इंग्लिश वोकैब कितनी ज़रूरी होती है। मैंने अभी पैट वर्ड्स की सीरीज़ चलाई है। पैट वर्ड की सीरीज़ क्या सीरीज़ है? पैट वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को आप सीखते हैं तो जब तक उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश से हिंदी सीख रहे हैं या हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। और यही चीज़ वोकैब होती है, वर्ड मीनिंग होती है। चाहे आप इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं या कुछ भी इंग्लिश में सीख रहे हैं तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे एक कस्टम होता है, कस्टम का मतलब क्या है? कस्टम का मतलब होता है अपना बनाया हुआ, ठीक है, कस्टमाइज़ किया हुआ, अपने हिसाब से किया हुआ उस चीज़। अब कस्टम आपने इंग्लिश में सुना, अगर उसकी हिंदी मीनिंग नहीं पता तो आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को नहीं सीख सकते। हाँ, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में ही सब कुछ करते हैं तो आप कस्टम का मतलब जान जाएंगे। तो इसीलिए वोकैब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, टीचर को कहते हैं अध्यापक। अगर आपको अध्यापक नहीं पता या टीचर नहीं पता तो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हमेशा रहेगा, ठीक है। तो दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचर क्या होता है, अध्यापक क्या होता है। इसी तरह से इंग्लिश के सभी शब्दों का हिंदी मीनिंग हमारे लिए पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हम हिंदी से इंग्लिश को सीख रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी उसका सेंस मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पैट वर्ड्स को हम सीख रहे हैं तो क्या उसके सभी हिंदी मीनिंग, उसकी हिंदी मात्राएं भी हमको आनी चाहिए? क्या हमें उसको याद करना है? क्या हमें उसको लिख लिख कर देखना है? तो उसको याद करने की, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे सेंस, सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है समझ। तो सेंस का मतलब समझ, आपको समझ आ गया कि सेंस का मतलब समझ होता है तो समझ पर गौर नहीं करना, समझ कैसे लिखते हैं ये नहीं देखना। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको सेंस का मतलब पता है। डू यू हैव सेंस? क्या आपके अंदर सेंस है? तो सेंस का मतलब क्या है? समझ। तो सेंस समझ नहीं करना, सिर्फ सेंस को अपने अंदर रखना है कि सेंस का मतलब ये होता है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेंस ऑर्गन क्या है, सेंस का मतलब क्या होता है? समझ, समझने की शक्ति के लिए। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। 5 सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? 5 ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के 2000 से 2600 शब्द की सीरीज़ मैं अपने चैनल पर लाया हूँ। जी तक आप लोगों को वर्ड दे चुका हूँ, जिसमें कम से कम 700 वर्ड आप लोगों को मिल चुके हैं। इन सभी वर्डों को सीखिए। ये रिपीटेड वर्ड होते हैं, पैट वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, सबके लिए यूज़फुल है, जो भी इंग्लिश को बोल रहा है, इंग्लिश को सीख रहा है, इंग्लिश को कर रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें ज़रूरी है। जो शब्द का अर्थ मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है कि वही हो उसका अर्थ, उसके और भी अर्थ हो सकते हैं, एक वर्ड के 10 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वही वर्ड है, इसलिए वर्ड मीनिंग की तरफ मत भागिए, उसके सेंस को पकड़िए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंग्लिश के सेंस को पकड़िए। डू यू हैव 5 रुपीज़? डू यू हैव 5 रुपीज़? दोनों का अलग मतलब है। इसी तरह मैं कहूँ डू यू हैव 5 रुपीज़, इसका भी अलग मतलब है। सेम चीज़ है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, उसके हिसाब से अलग अलग मीनिंग हो जाती है। सेंटेंस सेम है, कहने के तरीके से उसका अलग अलग मतलब हो जाता है। तो इसीलिए सेंस को पकड़िए इंग्लिश को सीखने के लिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। मेहनत करते रहिए, फल आपको मिलता रहेगा। अगर वर्ड के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, रिजल्ट देखने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपने अभी चीज़ों को सीखा है तो आपके सामने वो वर्ड नहीं आएंगे शायद, लेकिन सीखना 1-2 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं होता, पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। लेकिन अपनी लाइफ में जब इंग्लिश से जुड़े रहेंगे तो आपको इन वर्ड्स की, इस मेहनत का फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहें, बेहतर तरीके से करते रहें। शुरुआत से सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंग्लिश से जुड़ी अगर आपकी और कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हमने बेसिक मैथ की भी 18 वीडियो बनाई है, उनको भी देखिए, बेसिक मैथ को मजबूत कीजिए। इसी तरह अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ने लिखने से रिलेटेड हमने 300 से ज़्यादा वीडियोस AMT क्लासेस चैनल पर बनाई है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप YouTube पर सिंपली सर्च कर सकते हैं AMT क्लासेस। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। थैंक्स अ लॉट।